हे फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद सारा में आपका ढेर सारा स्वागत है। आज मैं जगन्नाथ जी के 56 भोग में से एक स्पेशल मिठाई रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि है छेना पोड़। तो चलिए देख लेते हैं उसके प्रिपरेशन कैसे करना है। पहले मैंने ले लिया 3 लीटर दूध लिया है फ्रेंड्स मैंने, और उस पर मैंने लगभग 3 चम्मच के लगभग मैंने विनेगर लिया है छोटे चम्मच में। उस पर थोड़ा सा पानी ऐड किया था। ये देखिए मेरा दूध जो है वो बॉयल हो चुका है। अभी थोड़ा थोड़ा करके इस पर विनेगर डाल के मैं दूध को फाड़ूंगी। अभी आप विनेगर की जगह पे नींबू का रस भी ले सकते हैं फ्रेंड। अभी मेरा दूध फट के छेना निकल गया है, तो अभी इसको छान लेते हैं। मैंने एक जगह पे इसको छान लिया है। छानने के बाद इसको 1-2-4 बार पानी से अच्छे से धुल लीजिएगा, जैसे विनेगर की खटास जो है ना वो निकल जाए। पानी में ज़्यादा देर तक मत रखिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो छेना पोड़ा अच्छा नहीं बनता है। और इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। मैंने इससे पहले भी 2-4 बार किया था, ये दिखाने के लिए और एक बार कर रही हूँ। अभी मेरा ये क्लीन हो चुका है। अभी आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। जो पानी निकला था ना फ्रेंड्स, उसको मत फेंकिएगा, वो अभी चाहिए होगा हमें। अभी चलिए इसका मेजरमेंट देख लेते हैं कैसे बनाना है। मैंने एक छोटा सा बाउल ले लिया है, आप कप भी ले सकते हैं। मैंने इसमें लगभग 5 बाउल हुआ था मेरा, तो मैंने उसके हिसाब से चीनी वगैरह डाला है। आप भी किसी से मेजर कर लीजिएगा, क्योंकि मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है इस पर। मेरा 5 बाउल हुआ है, तो उसका आधा मैं चीनी डालूंगी, मतलब 2 कप और आधा, और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी उसको मिक्स करने के बाद उस पर हम डालेंगे इलायची। ये मैंने हरा इलायची डाला था फ्रेंड्स। उसके बाद हम इस पर डालेंगे लगभग 6 चम्मच, छोटे चम्मच से ले लीजिएगा। छोटे चम्मच से मैंने 6 चम्मच लगभग सूजी डाला है इस पर, और इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा मैश मत करिएगा, हल्का दरदरा रहेगा। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे ही करना है। अभी जो हमने छेना का पानी निकाला था ना, उसमें से 1 बाउल मैंने लिया था, तो उस पर थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको और मैश करेंगे। इस पर लगभग 1 बाउल और थोड़ा सा 2-4 चम्मच एक्स्ट्रा मुझे लगा था, आप देख लीजिएगा। मतलब ज़्यादा टाइट ना रहे या ज़्यादा गीला ना रहे, मीडियम रहेगा। ये मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कैसे बनना है इसका। देखिए ऐसे ही टेक्सचर रहेगा इसका, जब ऐसे मैं हाथ में दिखा रही हूँ ना, वैसे ही करिएगा। अभी मैं इस पर डालूँगी 2-3 चम्मच लगभग भर भर के मैंने घी डाला हुआ है इस पर, देसी घी। और ये गाय का घी है फ्रेंड्स, गाय का डालिएगा तो अच्छा रहेगा। और दूध भी आप लोग गाय का ही यूज करिएगा, उससे अच्छा बनता है। और चलिए इसको मिक्स कर देते हैं। अभी मैंने एक केक टिन ले लिया है, उसके चारों तरफ मैंने घी लगा लेना है। उसके बाद मैं एक बटर पेपर कट कर लिया है, उसके गोलाई वगैरह देख के तो उसके ऊपर मैं लगा दूंगी अच्छे से। अभी लास्ट में जब बेक करना हो ना, उससे पहले
आधा चम्मच छोटे चम्मच से बेकिंग पाउडर डाला है मैंने फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा नहीं डाला, बेकिंग पाउडर डाला है। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करके केक टिन पे ऐड कर लेंगे हम। अभी इसको ढकने के बाद 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे रखिएगा, उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे 30 से 40 मिनट लग जाएगा। आप बीच में चेक कर सकते हैं, लेकिन आप 30 मिनट के बाद ही चेक करिएगा, बीच में चेक मत करिएगा, बाद में करेंगे। मतलब 30 मिनट या 40 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए, आपका कितना टाइम लगना है पता चल जाएगा एक टूथपिक की मदद से। ये मेरा छेनापुड़ बन चुका है, तो मैं इसको कट कर रही थी। चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना यम्मी बना था ये फ्रेंड्स। जैसे दिख रहा है उतना ही बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग भी बनाइए और जगन्नाथ जी को भोग लगाइए। नहीं तो आप लोग कुछ त्यौहार में भी बना सकते हैं, नहीं तो बर्थडे में भी बना सकते हैं। ये मेरे घर की फेवरेट मिठाई है, तो चलिए देख लेते हैं दूसरी मिठाई कैसे बनाना है। दूसरा एक है लड्डू, जो कि जगन्नाथ जी का फेवरेट है और ये उनके 56 भोग में भी आता है। ये है मगज लड्डू और ये बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स, और इसको आप स्टोर करके भी 6 से 7 दिन तक रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। ये देखिए, लड्डू बनाने के लिए मैंने एक कटोरी, मतलब छोटी कटोरी में एक कटोरी घी लिया है, और उसी कटोरी से 3 कटोरी मैंने आटा लिया है, और ये मैंने ले लिया है 1 कटोरी चीनी और थोड़ा सा इलायची का पाउडर, हरी इलायची का है, और मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर। और चलिए बनाते हैं। एक कढ़ाई गरम कर लेते हैं, उसके बाद मैं इस पर डालूंगी घी, इसको मेल्ट कर लेंगे हम लोग। देखिए हमारा घी मेल्ट हो चुका है, अभी इस पर हम जो आटे लिए थे ना उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऐसे करके सारे आटे में हम मिक्स करके आंच को धीमी कर दीजिएगा, इसको धीमी आंच पे भूनना है। आंच को धीमी करके हम इसको चलाना है, अच्छे से भूनना है, धीमी आंच पे भूनिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा सा तेज आंच कर देंगे ना तो ये जल जाएगा, तो अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इसको भूनने में मुझे लगा था लगभग 10 मिनट लग गया था, इतने में ये भून जाता है अच्छे से। जो इलायची का पाउडर मैंने ले लिया था उसको, और वो ब्लैक पेपर मैंने डाला है। आपके पास अगर इलायची का पाउडर ना हो ना फ्रेंड्स, या ब्लैक पेपर ना हो, तो आप काली मिर्च और इलायची को कूट के भी ऐड कर सकते हैं इस पर। तो ये मेरा हो चुका है, अभी मैं इस पर चीनी डालूँगी। चीनी मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था उस पर से। और फ्रेंड्स, अगर आप चीनी डाल रहे हैं ना, तो उसके बाद फ्लेम को पूरा ऑफ कर दीजिएगा। चीनी डालने के बाद फ्लेम ऑन मत करिएगा, ये इसी आंच पे ही जो कढ़ाई हमारा गरम है ना उसी पे ही ये बन जाएगा। इसको बस थोड़ी थोड़ी देर पे चलाना है हल्का, इसको जैसे हाथ में पकड़ सके ना उतने तक रखना है, उसके बाद हम लोग लड्डू बनाएंगे इसके। ये मैंने एक प्लेट पर निकाल लिया था, तो ये हल्का गुनगुना है। एक कटोरी मैंने घी लिया था ना, घी को थोड़ा सा हाथ पे लगा लेंगे, उसके बाद इसके लड्डू बनाते हैं। इसको पूरा ठंडा मत करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो लड्डू नहीं बन पाता इसमें से। ये गुनगुना रहना चाहिए, जैसे आप हाथ में पकड़ सके ना उस तरीके से रहेगा तो ये लड्डू बन जाएगा आराम से।
और इस लड्डू को हल्के हाथ से रखिएगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट रहता है तो टूटने का डर है। और मैं आगे बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा सारा लड्डू जो है बन चुका है। ये फ्रेंड्स आप लोग बच्चों को भी दे सकते हैं, हल्का मीठा रहता है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। और आप कुछ भोग लगाना चाहते हैं भगवान जी को तो ये बहुत अच्छी मिठाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।